Hey guys, welcome to my channel Explorer Gabru. हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो रहा है हेमकुंड साहिब के लिए, फिर हम पौंडा साहिब जाएंगे, उसके बाद हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे। तो चलिए, अभी फ़िलहाल हम हैं दुर्ग स्टेशन पे और यहाँ का नज़ारा कैसा है चलिए दिखाते हैं थोड़ा सा। और बहुत सारी संगत यहाँ से जा रही है, करीब 200-300 लोग तो होंगे ही, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, एडवेंचर ट्रिप होने वाला है ये। बने रहिए हमारे साथ और आपको दर्शन कराते हैं हेमकुंड साहिब के। तो दोस्तों, सारे ही संगत पहुंच चुकी है जाने के लिए, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और हमारा भी नंबर इसी कोच में है, V5 में, और आप देख सकते हैं के बुलावे फतेह पावे सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यह है दोस्तों सहारनपुर का गुरुद्वारा जहां हम स्टे करने वाले हैं आज रात। आप देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हेमकुंड साहिब जाने के लिए आए हैं उनका सामान स्टेशन से लोड करके आ रहा है। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा संगत आई है दोस्तों इस बार छत्तीसगढ़ से हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए, और ये सामान उतर रहा है। आंटी जी लोगों के लिए शरबत ले आए हैं आंटी जी। हम लोग लेने जा रहे थे, कोई नहीं, हम है ना। तो दोस्तों सारा सफर हमने आंटी जी लोगों के साथ बिताया है। हाँ जी आंटी जी, आया कर दो। तो ये सब हमारी कंपनी थी ट्रैवल में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं सहारनपुर के गुरुद्वारे में, सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारी बसेस आ चुकी हैं ऋषिकेश जाने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बसेस लगी हुई हैं, और ये हमारा गुरुद्वारा साहिब जहाँ पे हम रात में रुके थे, और पाठ चालू हो गया है सुबह का। चलिए आपको गुरुद्वारे के दर्शन कराते हैं अंदर से। कुछ ऐसा व्यू है दोस्तों, गुरुद्वारे के गेट नंबर 1 से हम एंट्री करेंगे। I'm
अभी हम हैं ऋषिकेश में गुरुद्वारे में और आपको दर्शन कराते हैं गुरुद्वारा साहिब के। तो दोस्तों ये है ऋषिकेश का गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश। और जब भी हम हेमकुंड साहिब जाते हैं तो ये हमारा स्टॉपेज होता है पहला ऋषिकेश में, यहीं से फिर आगे की सफ़र हम तय करते हैं। तो आइए गुरुद्वारा साहिब के अंदर चलते हैं। ये हमारे सेवादार जी बैठे हैं। बाबा जी, भाई जी, खालसा जी फतेह। ये हमारे सेवादार थे दोस्तों। और ये गुरुद्वारे में आप जैसे ही एंटर करते हैं तो इधर हमारा दरबार हॉल, यहाँ पे ऑफिस है। अगर आप रूम वगैरह बुक करें या हॉल आपको चाहिए तो फिर आप यहाँ पे ऑफिस है, आप एंटर करते हैं, यहाँ पे आपके ऑफिस होते हैं, यहाँ पे आप अपने रूम बुक कर सकते हैं। और वो सामने हैं, वहाँ पे आप हेमकुंड साहिब का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं यहाँ पे। और इधर से बाबा जी दरबार हॉल इधर है, उधर है ना। अच्छा दोस्तों, गुरुद्वारे के दर्शन कराते हैं पहले हम आपको। अरे अच्छा। और दोस्तों यहाँ से है गुरुद्वारा साहिब की, दरबार साहिब की एंट्री। चलते हैं, हम मत्था टेक लेते हैं पहले, फिर बाकी चीज़ें आपको दिखाएंगे। इधर हमारे जथेदार सर, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु खालसा जी फतेह। आ साढ़े सेवादार जी, जथेदार जी, अरदास बोलिए दोस्तों। संतोष सुख वास सधा
टेक लिया हमने और अब चलते हैं, प्रसाद ले लेते हैं और उसके बाद ये चीज़ें दिखाते हैं आपको। आप हमारे व्यक्ति सत श्रीकाल जी, सत्या जी, हाँ जी, हाँ जी, सफर चंगा रहा? हाँ जी, बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया रही। हाँ जी, तो गुरुद्वारे के एंट्रेंस के जस्ट सामने यहाँ पे आपको पीने वाला प्रसाद मिलेगा जो आप घर ले जा सकते हैं आराम से, प्लास्टिक में पैक्ड होता है। और सामने ही जोड़ा घर भी है और एक जोड़ा घर दूसरे साइड भी है, वो हम आपको दिखाएंगे अभी। और यहाँ से अगर आप मेन एंट्री करते हैं गुरुद्वारे की तो इधर से होती है, ये है गुरुद्वारा फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। ये है दोस्तों यहाँ का लंगर हॉल गुरुद्वारे का, यहाँ पे भी जोड़ा घर है। यहाँ आपको अपने शूज स्लीपर्स यहाँ पे सबमिट कराने पड़ेंगे उनके साथ। और चलो बस आ रहे हैं अंदर, क्या खैर? बाबा जी इतिहास बताएंगे। भगत जी खालसा, भगत जी फतेह। महाराज भाई कन्हैया जी है जेडे गुरु गोबिंद सिंह जी ने दुश्मनों को पानी पी पिलाने लगे। गुरु महाराज ने कहा तो दुश्मनों को पानी क्यों पिलाना वा? कहना वा महाराज जी मैनू ताडा रूप दिखता वा, सब इको जे तुम ताडा सर्व। कहता फिर आ ले मलम पट्टी ते पानी भी पिया ते मतलब मट्टी भी करो। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तो दोस्तों ये देखा है बाबा जी ने यहाँ का इतिहास बताया भाई कन्हैया जी का, जो युद्ध में अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाते थे। तो ये इतिहास है दोस्तों भाई कन्हैया जी का। जब आप आएंगे ऋषिकेश गुरुद्वारे तो आप गुरुद्वारे ज़रूर आए ऋषिकेश, जब भी आप आते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी सिख इतिहास से जुड़ी हुई। गुरुद्वारे का प्रीमाइसेस दोस्तों बहुत बड़ा है, चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, रुकने की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हैं और काफ़ी सारे रूम्स हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, हमारी बस का टाइम हो गया है, संगत बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए। दोबारा आएंगे तो फिर बाबा जी से मुलाकात होगी। ठीक है बाबा जी, चलते हैं। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। हे गाइस, वी आर ऑन द वे टू गोविंद घाट। अभी हम रास्ते में रुके हैं, स्टॉपेज है हमारा यहाँ पे। ये दमदमा लंगर साहिब है, गोविंद नगर नगरसू। और यहाँ पे अभी हमारी स्टॉपेज हुआ है, बसेस हमारी यहाँ पे खड़ी हैं। तो यहाँ पे अभी हम गुरुद्वारे में लंगर छकेंगे और उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। शाम तक हम पहुँच जाएँगे गोविंद घाट, फिर वहाँ का स्टॉपेज है और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम निकलेंगे गोविंद धाम के लिए। तो चलिए अंदर के दर्शन कराते हैं। ये कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों, इधर पार्किंग है, सारी गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं। और ये इधर से देखो क्या ब्यूटीफुल व्यू है, ये पूरे पहाड़ है इधर। और ये ऑन रोड रोड पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब। ये स्टॉपेज है दोस्तों, मोस्टली जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से सारे यहाँ पे रुक के लंगर छक के उसके बाद ही आगे की ओर बढ़ते हैं। तो
अगर पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो उसके सामने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यू है। और इधर निशान साहब और सामने ही नीचे की तरफ नदी भी, गंगा जी भी जा रही हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा नीचे का व्यू आपको दिखाते हैं नदी का, गंगा जी। यहाँ पे बर्तन धोए जा रहे हैं सारे लंगर के बाद के। और इधर मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन व्यू है, देखिए पूरा पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ। अब हम चलते हैं माथा टेक के, पहले लंगर शक लिया जाए। और दोस्तों यहाँ पे लंगर की सेवा हो रही है, यहाँ पे आपको प्लेट्स अपने आप लेनी होती हैं, रखी हुई हैं सारी धुलकर। आप अपने प्लेट चम्मच यहाँ से उठा सकते हैं और आगे लंगर के लिए, लंगर सकने के लिए बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं लंगर कैसे लंगर सक रही है लंगर। और दोस्तों ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लंगर कैसे बनता है, ये यहाँ पे आप पूरा लंगर तैयार होता है दोस्तों। और ये बहुत ही बड़ा आप देख रहे हैं दवा, लकड़ियों से जलाई जाती है क्योंकि वहाँ इस पर रोटी बनती है और यहाँ लंगर की तैयारी हो रही है। लंगर हाल बनाया जाना प्यारियों। और यहाँ अनाउंसमेंट हो रही है दोस्तों कि एक और बिल्डिंग यहाँ पे बनने वाली है, और जो भी अपनी सेवा करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपनी सेवा डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों गुरुद्वारा साहिब में अब हम मत्था टेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम लंगर छकेंगे। तो गुरु पहले पांच पांच सौ कमरे हाल हाजिर कर रहे हैं, चार से बाद गुरु जब भी कलर या पांच सौ फ्री कर पांच सौ कमरे भैन जी हरजिंदर सिंह जी रैपुर तो जिसे आए ने कल से जिसे खा रहे हैं गुरु महाराज यात्रा सभी का चरणा ने चीज वास्ते जिसकी सेवा ते हम हर नाम ले लाई, तन तन हर ज्ञानी सदगुरु हमारा, जिन वैरी मित्र हम को साफ समझ दिखाई, तन तन सदगुरु मित्र हमारा, जिन हर नाम से हमारी प्रीत बनाई। सलोक महला पहला, कर की मुंद प्रदेश पेर ने दूरे संभाले, मिलदियां टेल ना होई जे नीत रास करे, महला पहला नानक कर दी पूड़ियां बाज प्रीत करे। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਆ ਭਾਈ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆ ਸੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਨੀਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੇ ਗਾਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਮੈਂ, ਰਾਤ ਕੋ ਦੇਰ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮ ਰਾਤ ਕੋ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਾਫੀ ਅੰਧੇਰਾ ਥਾ। ਔਰ ਅਭੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਮੈਂ ਔਰ ਹਮੇ ਨਿਕਲਨਾ ਹੈ, ਸਾਢੇ ਪਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸੁਬਹ ਕੇ, सारी तैयारी हो चुकी है, बैग्स हमने सबमिट करा दिए हैं, ये हमारा रूम है पीछे। और बहुत ही बेहतरीन व्यू है दोस्तों सुबह का,
मेरे पीछे आप देख सकते हैं झरने बह रहे हैं, नीचे पार्किंग है और रेडी हो चुके हैं सारे मेंबर्स और अब हम निकलेंगे बहुत ही जल्द माथा टेक के पूरा चाय नाश्ता करके। व्यू दोस्तों बहुत ख़तरनाक है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ज़रा।